मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश बजट पर जवाब देने के दौरान लोकसभा में बताया कि देश में हर साल एक ही देश से लगभग 2.5 करोड़ छाते का आयात होता है। उन्होंने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप ये समझ गए होंगे कि किस देश से इतनी अधिक संख्या में छाते का आयात होता है। इसे देखते हुए ही छाते के आयात पर लगने वाले 10% शुल्क को बजट में 20% करने की घोषणा की गई है, ताकि घरेलू स्तर के छोटे उद्यमियों को छाते निर्माण का मौका मिल सके। उन्होंने बताया कि उनके पास छाता बनाने वाले MSME के प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने बताया था कि आयात शुल्क कम होने की वजह से एक ही देश से इतने छाते का आयात हो रहा है। आयात शुल्क बढ़ने से चीन से छाते के आयात में कमी आएगी और छोटे उद्यमियों को निर्माण का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।